जब किसी नए शहर को बसाया जाता है तो वहाँ घर से लेकर स्कूल, अस्पताल और मनोरंजन जैसी तमाम जरूरी चीजों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन इन सब चीजों के होने के बावजूद भी अगर कोई शहर रातों रात खंडहर में तब्दील हो जाए तो क्या होगा? आज हम आपको जापान में एक ऐसे ही भूतिया शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे एक वक्त में सबसे एडवांस सिटी माना जाता था, लेकिन आज ये शहर पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका है। जापान का भूतिया शहर। जापान के नागासाकी शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड है जिसे हाशिमा आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये आइलैंड 6 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है जिसकी बनावट काफी हद तक एक समुद्री लड़ाकू जहाज की तरह लगती है और इस वजह से इसे बैटलशिप आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस आइलैंड के आसपास कई दूसरे छोटे बड़े आइलैंड्स हैं जहां हरियाली और पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, लेकिन जब आपकी नजर हाशिमा आइलैंड पर पड़ेगी तो आपको यहां ऊंची ऊंची इमारतें और घर दिखाई देंगे। इन घरों में कोई नहीं रहता है जबकि पूरा का पूरा आइलैंड वीरान पड़ा हुआ है। लेकिन ये आइलैंड हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि इस आइलैंड पर कभी ढेर सारे लोग रहते थे और यहाँ रहने वाले लोगों ने जापान की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने में काफी अहम योगदान दिया था। दरअसल हाशिमा आइलैंड में कोयला निकालने का काम किया जाता था क्योंकि सन 1800 में ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में कोयले की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई थी। शुरुआती दौर में जापान के स्थानीय लोगों को कोयले की अहमियत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जब उन लोगों ने कोयला जलाना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि इस प्राकृतिक चीज का यूज घरों को गर्म रखने और आग जलाने के लिए किया जा सकता है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने जमीन में खुदाई करके कोयला इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, जबकि साल 1850 तक अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने समुद्री जहाजों को चलाने के लिए जापान से कोयला खरीदना शुरू कर दिया था। जापान के नागासाकी शहर में बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापारिक जहाज आते थे जो ईंधन के रूप में कोयले का इस्तेमाल करते थे, लेकिन बढ़ती डिमांड की वजह से जापान में कोयला खत्म होने लगा था, जिसके बाद कोयला बेचने वाले स्थानीय लोगों ने अलग अलग आइलैंड्स में जाकर कोयला खोजना शुरू कर दिया था। इस दौरान उन लोगों को नागासाकी से 15 किलोमीटर की दूरी पर हाशिमा आइलैंड पर कोयले का बड़ा भंडार मिला था, जिसके बाद 19वीं शताब्दी में एक शिपिंग कंपनी मित्सुबिशी ने हाशिमा आइलैंड को खरीद लिया था। इस कंपनी को हाशिमा आइलैंड पर कोयले की खुदाई के लिए ढेर सारे मजदूरों की जरूरत थी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कोयले की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कंपनी ने सैकड़ों मजदूरों को हाशिमा आइलैंड पर बसाने का फैसला किया जो हाथों से खुदाई करने के साथ साथ उस दौर में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को चलाने में भी सक्षम थे। इस शहर में श्रमिक और उनके परिवारों के रहने के लिए घर, बच्चों के लिए स्कूल और इलाज के लिए अस्पताल बनाया गया था, जबकि आइलैंड को समुद्री लहरों से सुरक्षित रखने के लिए एक सी वॉल भी बनाकर तैयार की गई थी। इसके बाद साल 1916 में 3000 मजदूरों को कोयले की खुदाई के लिए हाशिमा आइलैंड पर भेजा गया था जो सालाना 150 टन कोयले की खुदाई करते थे। लेकिन बीते सालों के साथ आइलैंड पर काम करने वाले मजदूरों और उनके परिवारों में इजाफा होता चला गया, जिसकी वजह से कंपनी ने हाशिमा आइलैंड पर ज्यादा कंक्रीट बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया था। ये बिल्डिंग ऊंची होती थी जिसमें एक साथ कई परिवार रह सकते थे। साल 1941 तक हाशिमा आइलैंड में कोयले की खुदाई हर साल 4,00,000 टन का आंकड़ा पार कर चुकी थी, जबकि साल 1959 तक इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों की संख्या 5,200 पहुंच चुकी थी। हाशिमा आइलैंड का आकार काफी छोटा था, जबकि वहां रहने वाले लोगों की संख्या में दिन ब दिन इजाफा हो रहा था, इसलिए उस दौर में ये दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर हुआ करता था। वहीं जिन मजदूरों के परिवार हाशिमा आइलैंड पर नहीं रहते थे उन्हें कमरा शेयर करना पड़ता था। एक छोटे से कमरे में 3 लोग रहते थे जिसमें सिर्फ 2 लोगों के लेटने का स्पेस होता था और तीसरे व्यक्ति को अलमारी या फिर सोफे पर लेटना पड़ता था। ये तो साफ था कि हाशिमा आइलैंड पर कोयला खुदाई का काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी बहुत ही मुश्किल थी,
लेकिन दो वक्त की रोटी और कुछ पैसे कमाने के लिए उन लोगों ने इन परेशानियों को नजरअंदाज कर दिया था। हाशिमा आइलैंड में जमीन से लगभग 1 किलोमीटर नीचे कोयला माइनिंग की जा रही थी, जहां का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और नमी 95% के आसपास रहती थी। ये तापमान और नमी कोयला खुदाई कर रहे मजदूरों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था, जबकि कम जगह में ज्यादा मजदूरों के काम करने की वजह से अक्सर हादसे होते रहते थे और उन हादसों में कई मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी कोयला खुदाई करवाने वाली कंपनी ने मजदूरों की सुरक्षा के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए, क्योंकि कंपनी को सिर्फ अपना फायदा दिखाई दे रहा था और वो ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को हाशिमा आइलैंड पर भेजकर उनसे काम करवाना चाहती थी। इन मजदूरों में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीन और कोरिया के सैनिक भी शामिल थे, जिन्हें जापान की सेना ने गिरफ्तार कर लिया था और फिर उन सैनिकों को जबरदस्ती हाशिमा आइलैंड पर कोयले की खुदाई के लिए भेजा जाता था। इस दौरान उन सैनिक मजदूरों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था और उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी जाती थीं, जिसकी वजह से जब युद्ध खत्म हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने जापान की आलोचना भी की थी। इस आलोचना के बाद ही जापान सरकार और कोयला माइनिंग कंपनी ने हाशिमा आइलैंड पर स्कूल, अस्पताल और सिनेमा घर बनाए थे, ताकि वहां रहने वाले मजदूरों और उनके परिवारों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। इस आइलैंड पर रहने वाले जापानी लोगों को सभी सुविधाएं फ्री में मुहैया करवाई जाती थी, जिसके बदले उन्हें सरकारी प्रॉपर्टी के रखरखाव और साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता था और बिना किसी शिकायत के कोयला खुदाई का काम करना होता था। हाशिमा आइलैंड पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी और ये पूरा एरिया समुद्र के खारे पानी से घिरा हुआ था, इसलिए आइलैंड तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए समुद्र के अंदर ही पाइपलाइन बिछाई गई और उस पाइपलाइन के जरिए जापान के दूसरे शहरों से पीने का पानी हाशिमा तक पहुँचाया जाता था। 1960 के दशक तक हाशिमा आइलैंड और वहां से निकलने वाले कोयले ने जापान की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से ये देश काफी तेजी से तरक्की कर रहा था। लेकिन इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोयले की खुदाई और उसके इस्तेमाल से होने वाले नुकसानों को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से कई देशों ने कोयले की खरीद और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया था। इतना ही नहीं, कई देशों में कोयले की जगह पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल ईंधन के रूप में होने लगा था, जिसकी वजह से कोयले को सीधे सीधे बाजार में टक्कर मिल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोयले की डिमांड और सप्लाई कम होने लगी थी, जिसकी वजह से जापान और दूसरे देशों में जहां कोयले की खुदाई का काम चल रहा था वो अब ठप होने लगा था। इन कोयला भंडारों में हाशिमा आइलैंड का नाम भी शामिल था, जिसे शहर के रूप में सिर्फ कोयले की वजह से बसाया गया था। 1970 के दशक में कंपनी ने लगभग 2000 मजदूरों को काम से निकाल दिया था, क्योंकि अब आइलैंड पर इतनी कोयला खुदाई नहीं होती थी कि कंपनी को हजारों मजदूरों की जरूरत पड़े। इतना ही नहीं, हाशिमा आइलैंड पर कोयला खुदाई करना आसान नहीं था, क्योंकि ये आइलैंड जापान के मेन लैंड से कटा हुआ था और समुद्र के बीच में था। समुद्र में अक्सर सुनामी और तूफान जैसे हालात पैदा हो जाते थे, जिसकी वजह से तेज और मजबूत लहरें आइलैंड से टकराती थी और सी वॉल को नुकसान पहुंचाती थी। इस सी वॉल को दोबारा बनाना या फिर उसका रख रखाव करना कंपनी के लिए काफी खर्चीला साबित होता था, जबकि हाशिमा आइलैंड पर रहने वाले मजदूरों और उनके परिवारों को भी फ्री सुविधाएं देने से कंपनी को नुकसान उठाना पड़ रहा था। कंपनी ने हाशिमा आइलैंड पर कोयले की खुदाई बेहद कम कर दी थी और मजदूरों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हाशिमा आइलैंड धीरे धीरे खाली होने लगा था। लेकिन इसके बावजूद हाशिमा आइलैंड पर लगभग 3000 लोगों की आबादी रहती थी, जो उस शहर के रखरखाव और कोयला खुदाई से जुड़े कामों को पूरा करते थे। कंपनी को उम्मीद थी कि शायद कुछ साल बाद अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कोयले की डिमांड और सप्लाई फिर से जोर पकड़ लेगी, जिसके बाद हाशिमा आइलैंड पर फिर से मजदूरों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा।
लेकिन कंपनी का ये भ्रम आगामी 4 साल में पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि उस दौर में पेट्रोलियम की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई थी और कई देशों में प्राकृतिक तेल के भंडार खोजे जा चुके थे। ये प्राकृतिक तेल ईंधन के साथ साथ आग जलाने और चारकोल बनाने समेत कई विभिन्न कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, जिसकी वजह से अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने जापान से कोयला खरीदना बंद कर दिया था। साल 1974 में कंपनी ने आधिकारिक रूप से हाशिम आइलैंड में होने वाली कोयला खुदाई को बंद करने का ऐलान कर दिया था, जिसकी वजह से हाशिम आइलैंड पर रहने वाले मजदूरों के पास जीवन यापन करने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अगर वो लोग हाशिम आइलैंड पर ही रुकते तो उनके पास रोजगार नहीं होता और ना ही कंपनी की तरफ से उनके खाने पीने के खर्चे उठाए जा सकते थे। हाशिम आइलैंड पर रहने वाले 3,000 मजदूरों ने रातों रात आइलैंड को छोड़ दिया था, क्योंकि कंपनी की तरफ से मजदूरों को शहर से निकालने के लिए जहाज भेजे गए थे। उन लोगों के पास इतना भी वक्त नहीं था कि उन्होंने इतने सालों में हाशिम आइलैंड पर रहते हुए जो सामान जोड़ा था उसे अपने साथ वापस जापान ले जा सके। उन मजदूरों के कपड़ों से लेकर टीवी, सोफा और दूसरी तरह के सामान हाशिम आइलैंड पर ही छूट गए थे, जिसे कंपनी या फिर उन मजदूरों ने दोबारा मेनलैंड जापान तक पहुंचाने की जरूरत नहीं समझी थी। इतना ही नहीं, जापान सरकार ने हाशिम आइलैंड में जाने पर सख्त पाबंदी लगा दी थी, जिसकी वजह से कोई भी जापानी या बाहरी इंसान इस आइलैंड पर नहीं जा सकता था। इस आइलैंड को लगभग 25 साल तक सील करके रखा गया था, जिसकी वजह से ये शहर देखते ही देखते खंडहर में तब्दील हो गया और यहाँ मौजूद बिल्डिंग और घरों में धूल मिट्टी की चादर चढ़ गई थी। जापान सरकार का कहना था कि आइलैंड को इसलिए बंद किया गया है ताकि कोयले, मशीनों और सामान की चोरी को रोका जा सके। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि सरकार इस जगह को इसलिए सील रखती है ताकि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मजदूरों के साथ किया गया बुरा व्यवहार दुनिया के सामने ना आ सके। लेकिन साल 2005 में जापान सरकार ने हाशिम आइलैंड को आम लोगों के लिए खोल दिया था, जिसका मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना और वीरान पड़े हाशिम आइलैंड में एक बार फिर रौनक लाना है। जापान सरकार हाशिम आइलैंड पर घरों को रिपेयर करके वहां दोबारा से लोगों को बसाना चाहती है, लेकिन इन घरों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उन्हें दोबारा दुरुस्त नहीं किया जा सकता है और हाशिम आइलैंड पर समुद्र के मुश्किल माहौल के बीच जिंदगी जीना जापानी लोगों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हाशिम आइलैंड के छोटे से हिस्से को रिपेयर करके टूरिस्ट के लिए खोला गया है, जबकि इस आइलैंड का भूतिया लुक फिल्म मेकर्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है और इस वजह से यहाँ फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग की जाती है। तो ये था जापान का वो भूतिया शहर जो रातों रात आबादी से बर्बादी में तब्दील हो गया था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।